नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न फेस्टिवल ऑफर, चाहे वो बिग बिलियन डे हो या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है इन दोनों के ही बारे में हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि क्यों ये इतने ज्यादा अच्छे डिस्काउंट जो है हमें ऑफर कर पाते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि फ्लिपकार्ट हो या अमेज़न कहां पर मिल रहा है कौन सा सामान सस्ते में। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के बारे में। बीइंग इंडियन, हमें ये बहुत ही प्राउड फील होता था कि यार फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि ई कॉमर्स में अमेजोन को टक्कर दे रही है, जो कि इंडियन कंपनी है और पहली कोई ऐसी इंडियन कंपनी जो इतने बड़े लेवल पे जो है टक्कर दे रही थी। सो दोस्तों, लेकिन अभी यहाँ पे हम बात करें तो फ्लिपकार्ट को आप सब लोगों को पता ही है, वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, तो अभी जो है सबसे ज्यादा जो स्टेक है वो वॉलमार्ट के हैं, तो हमारी ये फ्लिपकार्ट जो कंपनी है वो भी अभी वॉलमार्ट की हो चुकी है, यानी ये भी जो है अभी फॉरेन की कंपनी हो चुकी है। और वहीं पे अगर हम अमेजोन की बात करें तो वो भी कंपनी जो है काफी जो है अब्रॉड की है। यहाँ पे भले ही हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं वो इंडियन ही मिलते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि ये दोनों ही कंपनियां जो है हम बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उसका कारण हमें सिर्फ यही है कि इंडियन मार्केट जो है ई कॉमर्स के अंदर जो है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें 2017 की 16 की तो बहुत ही कम था, लेकिन आज की डेट में जो है ये दोनों ही कंपनियां एक एक दिन के अंदर जो है करोड़ों से करोड़ों में जो है टर्नओवर एक एक दिन का इनका हो चुका है सेल का। तो वहीं पे जो है इनके अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें जो कि ये लेके आते हैं फेस्टिवल सेल्स, जैसे कि बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट का हो गया, ग्रेट इंडियन जो फेस्टिवल है वो हो गया आपका अमेजोन का, तो ये जो इस तरह के फेस्टिवल ऑफर हमें देखने मिलते हैं ये स्पेशली बड़े बड़े फेस्टिवल्स पे ही लेके आते हैं। होली हो गया है, दिवाली हो गया है, ठीक है, ये इस तरह के जो बड़े हमारे इवेंट्स हैं उन्हीं को जो है टारगेट करके ये पूरे डिजाइन किए जाते हैं। ये चार चार पांच पांच दिन की होते हैं जो कि अभी 10 तारीख से हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है अब देखना ये है कि कौन सबसे ज्यादा जो है ऑफर दे पाता है, यानी कि डिस्काउंट दे पाता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये डिस्काउंट इतना ज्यादा देने के बावजूद भी किस तरह से जो है सर्वाइव कर पाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट जो है मिक्स मैच करके इन ऑफर्स के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये जो है टारगेट किया जाता है, यहाँ पे जो भी ऑफर्स दिए जाते हैं वो पर्टिकुलरली आपको जो है कुछ ही प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ऑफर दिए जाते हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जितने भी उनके पास लिस्टेड है सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर ये जो डिस्काउंट है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो है फेस्टिवल ऑफर्स करके जो इतना ज्यादा प्रमोशंस करते हैं, और अभी तो हमने देखा है कि टीवी पे हो या इंटरनेट के ऊपर हो, फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, दोनों की ही हमें एडवर्टाइजमेंट जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो भी ये लोग हमसे ही कमाने वाले हैं। तो यहां पर जो है जितने भी सेलेक्टेड प्रोडक्ट हैं उन्हीं पे ऑफर जो है इन फेस्टिवल्स के अंदर दिया जाता है, लेकिन हम जो है हमारे माइंड में एक चीज ये एडवर्टाइजमेंट के जरिए डाल दी जाती है कि अगर आपको ये खरीदना है, हर कैटेगरी में ये थोड़े थोड़े सेलेक्टेड प्रोडक्ट रखते हैं ताकि आपका माइंड में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा हो कि वाकई हमें कुछ खरीदना है, तो आप जब वहां पे जाते हैं तो आपको कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी दिख जाते हैं जिन पे सेल नहीं चल रही होती है। तो ऐसे में जो है इस सेल का जो एक इतनी एडवर्टाइजमेंट करी जाती है, उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो नॉन ऑफर्ड प्रोडक्ट है, यानी कि जिन पे कोई भी ऑफर नहीं चल रहा है, उन प्रोडक्ट्स की भी सेल जो है काफी ज्यादा हो जाती है। सेल के मामले में क्वांटिटी जो है वो काफी बढ़ जाती है, डेफिनेटली जितने पे जो सेलेक्टेड कैटेगरी है वो तो सेल होती है, लेकिन उसके साथ में जो बाकी के जितने भी स्टॉक्स हैं वो भी काफी ज्यादा जो है बाय किए जाते हैं, तो इसी वजह से जो है इनका बैलेंस जो है डेफिनेटली बना रहता है। वहीं पे अगर बात करें नुकसान की तो डेफिनेटली ये लोग नुकसान में नहीं फायदे में ही रहते हैं, ठीक है, तभी तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे हमें जो है देखने को मिल रही है, उस पर बहुत ज्यादा जो है खर्चा किया जाता है। सो दोस्तों, ये तो हो गया इनका रियलिटी कि वाकई ये जो हमें
स्टॉक जो है, बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं इनकी अगर प्रोवाइड करने की स्टॉक, एक तो कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट ले लेते हैं जो कि काफी मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उन पे तो आपको ऑफर देते ही देते हैं ताकि और ज्यादा ट्रैफिक जो है इनकी उस ऑफर के जरिए आए, और साथ ही साथ ऐसे भी प्रोडक्ट को यहाँ पे बीच में ऑफर में डाला जाता है, इंक्लूड किया जाता है, जिनका जो है सेल बहुत कम हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा स्टॉक बचा हुआ है, तो उस स्टॉक को भी जो है यहाँ पे खत्म करने के लिए, उस स्टॉक को भी जो है वापस से सेल आउट करने के लिए ताकि वो पड़ा ना रह जाए, निकल जाए, तो उसको भी जो है इन ऑफर्स के जरिए जो है इंक्लूड कर लिया जाता है। तो चाहे वो Amazon हो, Flipkart हो, सबकी पॉलिसीज यही है, मार्केट इन्हीं की तो क्या, बाकी जितने भी सेल करते हैं उन सब की भी पॉलिसी यही होती है। सो दोस्तों ये तो थी इसकी रियलिटी कि किस तरह से ये जो है प्रॉफिट कमाते हैं, हमारे सेल इंक्रीज कर पाते हैं जो कि ऑफर के अंदर नहीं इंक्लूड करी गई कैटेगरीज है। और उसके बाद अगर बात करें कि सस्ता किस पे मिल रहा है, तो सस्ते की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चाहे वो Flipkart हो चाहे Amazon हो, दोनों का ही एक अलग अलग पूरा टारगेट ऑडियंस है। तो अगर Amazon के ऊपर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली Amazon के ऊपर मिलते हैं तो उनको जो है वो ज्यादा इस ऑफर में इंक्लूड किया जाता है। वहीं पे अगर हम Flipkart की बात करें तो Flipkart के पास भी ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो स्पेसिफिकली Flipkart के ऊपर ही अवेलेबल होती है, वो हमें Amazon पे नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली इन चीजों को, ऐसी कैटेगरीज को उन ऑफर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है ताकि जो है आप Flipkart के ऊपर ही आए उन पर्टिकुलर कैटेगरीज को खरीदने के लिए या फिर आप Amazon पे ही जाए। वहीं पे अगर मैं बात करूं कान हमें जो है पकड़ना है, चाहे हम सीधे पकड़े या घुमा के पकड़े, पैसा हमारी जेब से ही जाना है, जो कमाई करनी है वो डेफिनेटली Flipkart और Amazon ने करनी है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें जो है एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए अट्रैक्ट किया जाता है। इन स्पेसिफिक 2-4-5 दिनों के अंदर ये इतना ज्यादा टर्नओवर कर लेते हैं, इतना ज्यादा क्वांटिटी में खेल जाते हैं, जो इनका 2 महीने का सेल है वो इन 4-5 दिनों के अंदर ये कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इनके जो ऑफर वाले हैं वो तो डेफिनेटली सेल होते हैं, साथ में दूसरे भी इतनी ज्यादा कैटेगरी जो है सेल हो जाती हैं, जिनके प्राइस जो है वो काफी, अगर उनके ऊपर इनका बेनिफिट की बात करूं तो बेनिफिट जो है काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, और उसी को जो है बैलेंस करके देखा जाए तो अल्टीमेटली यही लोग हमसे जो है ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। हम तो सिर्फ खरीदार हैं और खरीदने पे हमें जो है, मैं तो सिर्फ यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, चाहे वो Flipkart का हो चाहे वो Amazon का हो, अगर कोई वाकई आपको प्रोडक्ट जो है खरीदना है, वाकई यूजफुल लगता है, तभी जाके आप इसको खरीदें, और साथ ही साथ जो है आप ये चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे बताया जाता है, आपको डेबिट कार्ड के ऊपर भी EMI जो है ऑफर हो रही है, लेकिन जब आप वहां पे सेल करने जाते हैं, बुक करने जाते हैं उसको, तो यहाँ पे आपका जो कार्ड है वो एलिजिबल नहीं है। बहुत ही सिलेक्टेड ऐसे कार्ड है, बहुत ही सिलेक्टेड बैंक्स हैं जिनके कार्ड के ऊपर जो है EMI ऑफर करी गई है, और कार्ड भी जो है बहुत कैटेगरी में होते हैं, और अब पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसके ऊपर EMI उस पर Flipkart हो या Amazon हो उस पर अवेलेबल है कि नहीं है, तब जाकर ही आप उस पर सेल करें, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप सीधे जाके वहां पे EMI में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको आपकी बैंक से भी सपोर्ट कर लेनी पड़ सकती है कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको EMI में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वो प्योरली आपकी बैंक के ऊपर डिपेंड होता है, Flipkart या Amazon के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अगर आपकी बैंक सपोर्ट नहीं करती है तो डेफिनेटली आपको कोई भी EMI का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं यही कहूंगा कि आपको जो चीज रिक्वायर्ड हो वही खरीदें, क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने बताया जिनपे जो है बहुत ज्यादा मार्जिन्स होती हैं, वही वो हमें जो है डिस्काउंट देके कुछ कम मार्जिन के अंदर ये प्रोडक्ट जो है सेल किए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट हम इन ऑफर्स के जरिए जो है दे दिए जाते हैं, जो कि अगर आप रेगुलर मार्केट से बाहर मार्केट से खरीदने जाओ तो आपको वो सस्ते पड़ेंगे और ऑनलाइन के अंदर जो है आपको महंगे पड़ते हैं। ये भी चीजें आप जो है चेक करें उसके बाद ही बाय करें, बाकी अगर किसी अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर आपको अच्छी डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं और वो प्रोडक्ट आप वाकई खरीदना चाहते हैं
तो गो फॉर इट, उसके लिए जो है आप जरूर खरीदें, क्योंकि अगर आपकी अच्छी बचत हो सकती है तो डेफिनेटली आप अच्छी बचत कर लें। और यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि फ्लिपकार्ट पे सस्ता मिल रहा है या अमेजोन पे सस्ता मिल रहा है, दोनों पे जाने के बाद आपको समझ में आएगा, आप जब खुद कंपेयर करेंगे कुछ प्रोडक्ट को आपको समझ में आ जाएगा कि सस्ता दोनों पे ही कहीं नहीं है। जो भी ऑफर है वो अलग अलग कैटेगरी में है, जो अमेजोन दे रहा है वो फ्लिपकार्ट नहीं दे रहा, जिस पे फ्लिपकार्ट दे रहा है उस पे अमेजोन नहीं दे रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप शॉपिंग करें, जो कि 10 तारीख से जो है सेल इनकी स्टार्ट हो रही है, चाहे वो बिग बिलियन डे हो या फिर हमारा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हो अमेजोन का, तो ये दोनों ही जो है 10-12 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको 6-7-8 दिन है जो के अंदर जो है आप अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आपको जो है हमारा ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।